भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शुक्रवार 3 जुलाई को प्रदेश मुखिया भूपेश बघेल द्वारा किए गए वादा खिलाफी करने के आरोप में प्रदेश भर में 3000 स्थानों पर अनेकों पुतले फूकने का आह्वान किया, जिसमें राहुल हरितवाल और उनके साथियों के समेत प्रदेश भर के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूकने का प्रयास किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज हमारे सभी वरिष्ठ साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में 3000 जगह पर भूपेश सरकार का, कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया है। इस मांग के साथ कि जिस वादे के साथ आप सरकार में आए थे कि सरकार में आते को 2500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको आपने छल किया है युवाओं के साथ। प्रमाण है, धमतरी का युवा आके मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करता है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। मुख्यमंत्री जी, मानसिक स्थिति उस बेरोजगार की नहीं खराब नहीं हुई है, इस सरकार की खराब हो गई है। और आज पूरे प्रदेश में युवाओं ने दिखा दिया, सारे जो समर्थन लोगों का मिला है, कि सारी जनता अब इस सरकार से और युवा विशेषकर इस सरकार की धोखाधड़ी से त्रस्त आ चुका है। और युवा मोर्चा के आह्वान पर पूरी सरकार इस तरह हिल गई थी कि एक तीन तीन कार्यकर्ताओं की मात्र हमको अनुमति दी गई। और आप देख रहे हैं प्रशासन पुलिस का दबाव, 25 से 30-30 पुलिस वाले बल एक एक कार्यकर्ता को रोकने के लिए लगा दिया गया। ये विपक्ष की जो अधिकार है अपनी आवाज़ को उठाने का, उस पर सीधा सीधा प्रहार है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे सभी साथी युवाओं के अधिकार की लड़ाई जमीन से लेकर जहाँ तक लड़ना पड़े, जेल तक, हम लड़ते रहेंगे। प्रदेश का जो बेरोजगार युवा है वो आत्मदाह जैसा प्रयास कर रहा है, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसका मनोबल बढ़ाने के लिए ही हमारे नेता सीधा हमारे युवा मोर्चा के साथी वो अस्पताल में जाकर उस पीड़ित से मुलाकात करके आए हैं। हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष माननीय राजेश पांडे जी के नेतृत्व में पूरे साथी लोग उनके पास गए थे, उनसे पीड़ित से मिले हैं, उनके परिवार से मिले हैं और उनको ये वादा किया है कि जो हर संभव प्रयास मदद युवा मोर्चा की तरफ से होगा, हमारे साथी निश्चित तौर पर उसके लिए करते रहेंगे। लेकिन देश के बाकी युवाओं से, जिनको भी जो इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनसे आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मदाह जैसी कोई भी परिस्थिति या कोई भी घटना को अंजाम ना दें। निश्चित तौर पर ये भी बहुत ही संकट की घड़ी है, लेकिन हम सभी आपके साथ खड़े हैं।